नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। आज हम लाइफ इंश्योरेंस और उससे मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। इसके पहले कि हम विषय वस्तु पर आएँ, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनकम टैक्स रिबेट देती ही क्यों है। आपने हर साल देखा होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया जाता है और वो बजट बेसिकली भारत सरकार के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब होता है। आपने फिस्कल डिफिसिट वर्ड का भी नाम सुना होगा, वो क्या होता है? हकीकत ये है कि सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो फिर वो बाकी पैसे आएंगे कहाँ से? उसके लिए भारत सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। और ये जान के आपको शायद यह आश्चर्य होगा कि भारत सरकार को कर्ज देने वालों में से हम आम आदमी, आम नागरिक सबसे आगे होते हैं। डायरेक्टली भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं या फिर इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाओं के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे भी सरकार कर्ज लेती है। तो चूंकि सरकार को पैसे चाहिए, इसलिए वो कोशिश करती है कि भारत का आम नागरिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे का निवेश करे ताकि एक स्टेबिलिटी मार्केट में रहे। अब यहाँ वर्ड लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म के मामले में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो पॉलिसियाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल तक की होती हैं। और यही कारण है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने पे भारत सरकार टैक्स में रिबेट देती है सेक्शन 80C, 10-10D वगैरह वगैरह के हिसाब से, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। लेकिन इधर कुछ सालों में कुछ बदलाव आए हैं। 2003 के पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे कैसी भी थी, सब पे रिबेट मिलता है। और अच्छी बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तीनों स्टेज पे रिबेट मिलता है। तीन स्टेज का मतलब हो गया कि जब हम प्रीमियम देते हैं उस प्रीमियम पे हम रिबेट ले सकते हैं, पॉलिसी चलती है बोनस मिलता है, पॉलिसी का वैल्यू बढ़ता जाता है और उस बोनस पे भी हमें रिबेट मिलता है, यानी उस पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। और फिर जब मैच्योरिटी के बाद जो पैसा हाथ में आता है, या दुर्भाग्यवश अगर डेथ क्लेम का भी पैसा हाथ में आता है, तो उस पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी ट्रिपली एग्जेम्प्ट इसको बोलते हैं, तीनों स्टेज पे हमें बेनिफिट मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, 2003 के पहले पॉलिसी चाहे कैसी भी थी उस पर ये तीनों रिबेट मिला करते थे। लेकिन 2003 प्राइवेट कंपनियां आ गई थी, इवन की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के भी अपने पॉलिसियों में काफ़ी सारे बदलाव हुए थे और ये देखा गया कि पॉलिसियां कम ड्यूरेशन की, 5 साल की, 6 साल की भी बिकने लगी थी और उस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड या बैंक के फिक्स डिपॉजिट के साथ कम्पीट कर रही थी। तब सरकार ने नियम में बदलाव किए और ये नियम ये बदला गया कि अगर किसी भी पॉलिसी में सालाना प्रीमियम, जिसको एनुअल प्रीमियम बोलते हैं, अगर सम एश्योर्ड बीमा राशि से 20% से ज़्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। यानी इस तरह की शॉर्ट टर्म पॉलिसियों को एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं माना गया और वहाँ से इनकम टैक्स को रिबेट को विड्रॉ किया गया। समय के साथ फिर बदलाव आए और 1 अप्रैल 2012 से ये जो 20% वाला जो नियम था उसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया। यानी कोई भी पॉलिसी 2012 के 1 अप्रैल के बाद बेची गई हो और उसमें अगर एनुअल प्रीमियम, सालाना प्रीमियम बीमा राशि से 10% से ज़्यादा है तो उसे भी रिबेट नहीं मिलता है। इसलिए आज के डेट में जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं और अगर आपका पर्पस कहीं ना कहीं इनकम टैक्स सेविंग है, तो ये आप ज़रूर चेक करें कि क्या एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड से 10% से कम है क्या नहीं है। इवन कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में भी आपको इनकम टैक्स रिबेट मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी यही कंडीशन होता है कि उस पॉलिसी में बीमा राशि, जो कि मरने की स्थिति में पैसा फैमिली को मिलता है, वो कम से कम सिंगल प्रीमियम से 10 गुना होना चाहिए। अब ये जो नियम बदलाव हुआ है, इसका मूल मंत्र यही है कि भारत सरकार ये चाहती है कि हर लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी लें, बीमा लें, न कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में करें। एक यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, सेक्शन 10-10D जिसके तहत बीमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, इरेस्पेक्टिव की पॉलिसी कैसी भी हो, भले वो एग्जम्पशन स्टेट पे, यानी लेते प्रीमियम देते वक्त एग्जम्पशन मिला हो ना मिला हो,
लेकिन अगर डेथ क्लेम का पैसा मिलता है, नॉमिनी को जो मिलता है वो पूरी तरह से आज भी टैक्स फ्री है। अभी पिछले 3-4 सालों से सरकार ने थोड़े नियम में बदलाव किए और उन्होंने ये बाध्य कर दिया हर इंश्योरेंस कंपनी को कि जब भी कोई मैच्योरिटी क्लेम या डेथ क्लेम आता है, डेथ क्लेम में तो खैर इनकम टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन अगर मैच्योरिटी आता है तो कृपया ये चेक करें कि इस पॉलिसी पे इनकम टैक्स रिबेट मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर इनकम टैक्स रिबेट मिलना है तो ये कस्टमर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना पैन कार्ड नंबर या अपने टैक्स का डिटेल दे, और उस स्थिति में अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि सम एश्योर्ड का 1% TDS काट लिया जाएगा और फिर कस्टमर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त उस पैसे का यथा वस्तु जैसा उसका स्टेटस हो उस पैसे को ले सकता है। तो बस मूल मंत्र आप ये याद रखें कि आज के डेट में अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं और आपको इनकम टैक्स रिबेट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ चेक कर लें कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, एनुअल प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम, तो आपकी पॉलिसी में सम एश्योर जो है बीमा राशि है वो कम से कम 10 गुना होना चाहिए। एक बात याद रखें, टैक्स देना या टैक्स में रिबेट देना ये भारत सरकार का अपना व्यवस्था है, इसमें इंश्योरेंस कंपनियों का कोई हाथ नहीं हो सकता है। और इस साल का जो बजट पेश किया गया है उसमें जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, शायद आने वाले समय में जितने भी एग्जम्पशन हमारे अवेलेबल हैं, प्रीमियम देते वक्त ATC का, बीमा राशि लेते वक्त 1010D का, और इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोविजन्स हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रिबेट है, विकलांग व्यक्तियों के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक अलग प्रावधान है, संभव है कि आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं विड्रॉ कर ली जाएं, क्योंकि उस तरह का कुछ संकेत हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में ही दिया है। लेकिन जो भी हो, अभी स्थिति ये है, पॉलिसी ले रहे हैं, इनकम टैक्स रिबेट चाहिए, तो निश्चित करें कि कम से कम एनुअल प्रीमियम से बीमा राशि 10 गुना हो। Thank you very much.